प्रभु यीशु के नाम पर हमारे मन इस समय स्वागत कर गाना गाविला। प्रभु यीशु कहन जे मोर भक्त मन के दिल से और मन से स्वागत करें, वो मौके स्वागत करें और मोर नाम में एक गिलास भी पानी पियाए, शांत समझ के, नाबे समझ के या परिवृत समझ के तू मन मौके पिया। इस वक्त हमारे मन कभी यीशु के मन से दिल से अपन हृदय में स्वागत करेगा। वही प्रभु यीशु 2023 साल पहले आए रहें और इस संसार में रही के अपन काम के कर लें और अपन प्यार के दे लें और हमार प्यार के खातिर क्रूस पर मर गए और वे प्रभु कह रहे हैं, हे पिता ते मन नहीं जाने से मन लेकिन कह रहे हैं ते मन नहीं जाने ये मन के सब कैसे क्षमा करके आज हमारे के भी परिवार के प्रत्येक जन में दूसरे के क्षमा देने का है। हम पारिवारिक अलग व्यक्ति है कि हमारे परिवार में हमेशा कुछ ना कुछ लड़ैया रहे, झगड़ा रहे, मारपीट रहे, दमदंगी रहे, मनमुटाव रहे। इस सब हमें मन प्रभु के शरण में आए तो दिल से हमें मन मन से माफी कर दो, क्षमा दे दो और कहा हे प्रभु मर बेटा मर बेटी मर माँ या बाप नहीं जाने तुम आके माफ कर दे, क्षमा कर दे और तो जीवन के प्रकार कर दो सके चलिसा कानून में जीने सकबे जाने सकबे और पहचान कर सकबे। प्रभु कहलाएं हमरे मन के दूसरे के क्षमा देते हुए प्रभु के सामने अपने आप के आप समर्पण करेला, अर्पित करेला। आज हमारे लिए तो जान देने वाला परमेश्वर है और सारे भेड़ियों से छुटकारा देने वाला बचाने वाला परमेश्वर, मैं तेरे हाथ में सौंपती हुई इन सबको, इन सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपका पवित्र आशीष और शक्ति और सामर्थ्य अस्वस्थ हो जाए आत्मा और शरीर से हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। हाथ उठाते हुए वचन की लेकिन तैयारी करो अपने आप के। वचन स्वयं प्रभु यीशु है, कहें जी हमारे हृदय में बवाल जाएगा। मैं भी तेरे से अनुभव करत हो कि बहुत कही हमें मन एखन भी तैयारी हुआ कि नहीं सही थी और बिना तैयारी में कोना बोना बोनल जाल से वो नहीं निकलेगा। अभी मन खेती कर तो के खेती के उपजाऊ बनाएगा, ओकर मिट्टी के कोड़ी ला जोती ला और जंगल के फेंकिल जबड़ा के फेंकिल तब हुआ बीज लगे तब जाके वो बीज बढ़ेला। और बिना जोतले कोड़ले और बिना साफ कर ले हमें भूलो तो बार बार वो सारे बीज बेकार चल जाए, बेफायदा हो जाए और हमारे खेत में फसल नहीं लगी। तो आई जानब कि हम इन मन कौन सा खेत है कि पहले चला हम प्रार्थना करें कि इस बीज के हम इन बढ़ाव अपन खेत में लेके जैना हाथ उठाते हुए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु तेरे वचन में शक्ति है, तेरे वचन में सामर्थ है, तेरे वचन में हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं जीवन में अपने जीवन में आपको ग्रहण करना चाहता हूँ।
आपको लेना चाहता हूँ और मेरे जीवन से बढ़ना चाहता हूँ और आपको भी लेना चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे किसी प्रकार की बीज बोने में असुविधाएं ना आए, बाधा ना आए। मैं जो खेत बोया गया है उससे मैं बढ़ा सकूं और जो जंगली बीज है उसे मैं निकाल सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सभा में जो प्रवचन में दे रहा हूँ सिखे प्रभु इससे अगुवाई करें। हब्रेमान मती का सुसमाचार अध्याय 13 में देखें। अध्याय 13 में चार प्रकार के खेत के बारे लिखल है। हाँ, चार प्रकार नखे लिखल निकल हुआ, चार प्रकार के विषय हमके पढ़ने के लिए मिला है। और वो खेत के मन है कहें हमरे मन है कि वहाँ एक खेत के बारे लिखल है। यीशु ख्रीस्त बीज बोने निकला, बीज वचन है कि वहाँ बीज बोने निकला, वहाँ लिखा है बीज बोने वाला निकला, ऐसा लिखा है। तो बीज बोने वाला यीशु ख्रीस्त था और बीज वचन था और प्रभु वचन देने के लिए, शिक्षा देने के लिए गांव गांव शहर शहर घूमते थे और वो इस दुनिया के द्वारा दृष्टांत देते थे, दृष्टांत से समझाना चाहते थे। तो वहाँ चार खेत है, एक खेत के बारे में कैसा है दिखाया नहीं गया है। वहाँ पर क्या है, एक बीज बोने वाला निकला और बीज बोते बोते रास्ते के किनारे गिर गया। आप क्या सोचते होंगे, एक किसान क्या बीज लेकर रास्ते के किनारे बोएंगे? आपको लगता है कोई ऐसा बोएगा, कोई किसान ऐसा करेगा? नहीं करेगा। तो प्रभु तो उसे बढ़कर है, तो प्रभु कैसे रास्ते किनारे बीज बोएगा? यह हमें समझना होगा, मैं आगे समझाऊंगा। दूसरा है कि वो पथरीली भूमि में बोया जाता है और पथरीली भूमि में बीज गिरता है, पत्थर होने के कारण, चट्टान होने के कारण, थोड़ा सा मिट्टी होने के कारण से अंकुरित तो होता है, लेकिन सूर्य का रोशनी पड़ने से, गर्मी आने से वह जो अंकुरित हुआ था, जो पौधा निकला था, वह सूख जाता है, मुरझा जाता है और समाप्त हो जाता है। दो खेत हो गया, एक पथरीली भूमि खेत, एक रास्ते किनारे खेत। तीसरा है जंगली, जहाँ जंगल केवल है, खेत है और जंगल में बीज बोया जाता है और वहाँ पर बीज गिरता तो है लेकिन जंगल और झाड़ियाँ उन्हें क्या कर देता है, दबा देता है और उन्हें बढ़ने नहीं देता है। चौथा में क्या है, जो अच्छा खेत है, जो जोता हुआ है, कोड़ा हुआ है और जंगल फेंका हुआ है, एक भी जाबरा नहीं है, पूरा जोता हुआ, कोड़ा हुआ और धुरा हुआ मिट्टी बन गया है और उपजाऊ मिट्टी बन गया है, इसलिए वहाँ जब बीज बोया जाता है वो अंकुरित होता है और 60 गुना 100 गुना फल आता है। तो ये सब हम लोग ही हैं, हम लोग ही हैं। और इस खेत के बारे में प्रभु ने कहा कि हम लोग एक खेत हैं और जब हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए कहीं भी जाइए, चाहे पटना हो, बनारस हो, चोपड़ा हो, कहीं भी जाइए और जब वचन दिया जा रहा है और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो एक मन रूपी जो खेत है, दिमाग जो है,
अगर चंचल है और दिमाग कहीं पर है, प्रार्थना में नहीं है, वचन में नहीं है, और जहां प्रार्थना बैठे हैं वहां पर नहीं है, कहीं और पर जा रहा है, तो आपका वचन जो परमेश्वर ने वचन दिया जा रहा है, परमेश्वर का वचन जो बोया जा रहा है दिमाग रूपी खेत में, परमेश्वर ने बताया था मुझे, तो दिमाग में नहीं गिरा वो, खेत में नहीं गिरा वो, साइड में गिरा। साइड में क्यों गिरा? क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वचन पर मन नहीं लगाया, इसलिए साइड में गिरा। और साइड में गिरे हुए बीज को क्या कहा है? एक पंछी आती है और उसे खा जाता है। तो जिसका दिमाग से बाहर गिरा जाता है वे वचन वो नहीं सुनते हैं, और सुनते भी हैं तो ध्यान नहीं देते, मन नहीं लगाते, तो वचन का वो बाहर गिरा है दिमाग से, इसलिए वो घर जाते जाते उनके दिमाग में वचन नहीं रहेगा, और पहले जैसा क्रिश्चियन था वही क्रिश्चियन बना रहेगा, और जैसा था वैसे ही बना रहेगा। उनका रिट्रीट करना, कॉस्मेटिक करना, प्रार्थना सभा में जाना बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए प्रभु कहता है कि रास्ते के किनारे हमारा दिमाग से बाहर गिरता है, दिमाग से बाहर है। इसलिए वचन के समय हमें ध्यान देना होगा, मन लगाना होगा क्या मैं वचन में। इसलिए बार बार कहता हूँ, मैं छोटा हूँ, ठेबरा हूँ, गट्ठू हो, नट्टू हो, जो भी हूँ, आप ध्यान कहीं मत लगाइएगा वचन के समय। मेरे अंदर ध्यान दीजिएगा तो मैं आपके अंदर बीज बोऊंगा दिमाग में। और जिसके दिमाग में वचन चला जाता है वो निकलता नहीं, वो निकलता नहीं। बीज अगर खेत में गिर गया और नीचे जमीन के अंदर चला जाता है तो नीचे ही अंकुरित होगा और बढ़ने लगेगा, और नीचे ही बढ़ेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता या टोक नहीं सकता या कोई उसे बाधा नहीं कर सकता। लेकिन जो लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान नहीं देते हैं और मन नहीं लगाते हैं, वो रास्ते के किनारे गिरा है, यानी दिमाग का बाहर गिरा है। इसलिए आप कुछ लेके नहीं जाएंगे यहाँ से, जैसा आए थे वैसे ही चले जाएंगे। हालेलुया। कुछ लेकर जाना चाहते हैं या नहीं बोलिए? कितने लोग नहीं? तो मैं केवल क्या करता, रोजरी कराता, कुछ रखता कराता और आपको भेज देता। मैं सोचा कि चले हमारे लोग आ रहे हैं, मैं कुछ तैयारी करके भेजूं। हालेलुया। कुछ रोप के भेजूं। हालेलुया। ताकि उनके खेतों में क्या रहे, बीज रहे, और बीज बढ़ेगा तो फल लाएगा कि नहीं लाएगा, कंफर्म है कि नहीं है? हालेलुया। तो आपका खेत, आपका खेत है, और आप खेत में बीज लगाएं और फसल ना आए तो कैसा लगता होगा, कैसा लगता होगा आपको? बोलिए ना, थोड़ा प्यार से बोलिए ना। हालेलुया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हालेलुया। हालेलुया। अरे मैंने अनुभव कर रहा था अंदर में, हालेलुया। तो हमें ध्यान देना चाहिए, और ध्यान देंगे तो निश्चय ही हम फसल होंगे, हमारे खेतों में फसल होगा। यीशु क्रिस्त ने कहा, यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं यीशु क्रिस्त के बारे में, वो सूप ले चुका है। क्या ले चुका है? सूप ले चुका है। जोर से बोले ना, सूप ले चुका है। और बखार में क्या लाया जाता है? यदि आपका दिमाग में फसल ही ना उगे और ना बढ़े तो आप बखार में कैसा फसल लाएंगे, खलियान में कैसा लाएगा जाएगा? आप खेत रोपे हैं, खेत में धान ही नहीं हुआ तो आप खलियान कैसा लाएंगे? तो लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं खेत में फसल लगे और खलियान में लाया जाए? हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं कि वो सूप ले चुका है। अब सूप किसके लिए? जो बखार में, जो
खलिहान में लाया गया है उसके लिए, और खलिहान तक नहीं आया तो मैं कहूंगा कि खलिहान में नहीं आया भैया तो उसाएंगे क्या। तो प्रभु यीशु ने ओसाया और क्या किया, उन्हें योना भाई कहते हैं वो सुख ले चुका है, ओसा रहे हैं, और जो भूसी है उसको ना बुझने वाली कहाँ डाल देंगे, आग में डाल देंगे। ना बुझने वाली आग कौन है, नरक है। इसलिए आप प्रकाशना ग्रंथ खोल दीजिए, 21:7 को पढ़िए, आपको समझ में आएगा। पढ़िए, एक विरासत है। हाँ, यह विजयी का विरासत है। मैं उसका ईश्वर हूँगा, मैं उसका ईश्वर हूँगा, और वह मेरा पुत्र होगा, वह मेरा पुत्र होगा। लेकिन कायर हो, लेकिन कायर हो, अविश्वास हो, नीच हो, हत्यारो, व्यभिचार हो, बोझ हो, मुझे पुत्र को, और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का, हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्या होगा। ददकती आग आओ, गंधक के कुंड में, गंधक के कुंड में डाला जाएगा, द्वितीय मृत्यु। तो क्या है कि जो लोग भूसी बन जाएंगे, अगर हमारे दिमाग में वचन नहीं बढ़ा, हमें वचन हमारा दिमाग में नहीं है, और हम दिमाग से नहीं बढ़ रहे हैं, वचन से नहीं बढ़ रहे हैं, वचन के शक्तियों से नहीं बढ़ रहे हैं, वचन का सामर्थ्य को हमारे अंदर नहीं पा रहे हैं, वचन की वरदान कृपाएं को हम नहीं पा रहे हैं, तो हमारे अंदर तो नहीं है वचन, और वचन नहीं है तो हम एक खलिहान में भी नहीं लाएंगे, और खलिहान में लाया जाए तो भी आप पीले ही हैं, यानी पक्का विश्वासी नहीं है, नकली विश्वासी है, डुप्लीकेट विश्वासी हैं, डुप्लीकेट क्रिश्चियन हैं, नाम मात्रा के क्रिश्चियन होंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। हमारे लिख देने से स्वर्गी एक मातवार का मर जाता है, और हम लिख देंगे कि स्वर्गी फलना स्वर्गी हो गया है। बाइबल लिखता है कि एक मातवार को स्वर्ग में जाने का अधिकार नहीं है। क्या वो पछतावा कर पाएगा, क्या वो सुधार कर पाएगा, उसी हालत में मरा और उसके हम स्वर्ग लिख देंगे तो क्या स्वर्ग चला जाएगा, वो हमारा कर्तव्य था इसलिए हम लिख दिए, हम ही सब बलिदान चढ़ाना था इसलिए लिख दिए, निकलो स्वर्ग नहीं जाएगा। हालेलुया, पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। आप पढ़ेंगे ईसाई नबी मतवारों का बात आता है तो हम पढ़ेंगे। आज जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं केवल पर्व मनाने के लिए क्रिश्चियन होते हैं। अभी पास का पर्व मनाएंगे या पास का पर्व तक आप लोग क्या हाड़िया दारू बेड़ी तम्बू हफिन गांजा सब छोड़ दिए, उपवास तपस्या में आने लगे। जैसा पास का पर्व खत्म हुआ फिर से हम नशा करने शुरू करेंगे, फिर पीने शुरू करेंगे, और उसी वचन को ईसाई नबी लिखते हैं। 22:13 को पढ़िए, दो रही अभी आपको समझ में आएगा क्या करते हैं हम लोग क्रिश्चियन लोग। आज भी वही होता है जो पहले करते थे, आज हम लोग भी करते हैं। सबको धन्यवाद उठाएंगे। आना और उत्साह मनाते बालों और भेड़ों का वध करते, मांस खाते और अंगूरी पीते थे। तुम कहते थे हम खाए और पिए, कल तो मरना ही है। सोशल श्रीमान प्रभु ने मुझ पर यह प्रकट किया है, मारने के दिन तक
तुम्हारा यह पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर ने इसकी शपथ खाई है। यह वचन मेरा है या बाइबल का है? तो ये सब सब लिख दिया है। इस तरह के आप पर्व मनाने के लिए, क्या उत्सव मनाने के लिए भेड़ बकरी मारते हैं और मांस खाते हैं, उत्सव मनाते हैं, पर्व मनाते हैं और अंगूरी पीते रहते हैं। और क्योंकि हम मरेंगे ही, अरे हमको ही मरना है, आपको ही मरना है। धर्मी लोग ही मरते हैं, पापी लोग ही मरते हैं, अंतर है निकला। हालेलुया, मेरा मरना और आप लोग का मरना में बहुत अंतर होगा। हालेलुया, होगा कि नहीं होगा? होगा। जोर से बोले होगा। तो इसलिए हमें अच्छा मरण होना चाहिए। हालेलुया, शुद्ध होकर मरना चाहिए। हालेलुया, अच्छा तैयारी के साथ मरना चाहिए। हालेलुया, और इसे हम आनंद मनाते रहेंगे और अंगूरी पीते रहेंगे, दारू पीते रहेंगे, मांस खाते रहेंगे और इस तरह से पर्व मनाया जाएगा। तो परमेश्वर कहता है अंतिम समय तक तुम्हारा पाप क्षमा नहीं मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने लाइफ में कभी भी हड़िया और दारू ना बीड़ी ना तंबाकू ना अफीम गंजा नहीं खाया। मुझे परमेश्वर खाने नहीं दिया और मेरा फीलिंग भी नहीं था कि मैं दारू पीऊँ, आड़ी पीऊँ, रोम खाऊँ और तम्बाकू खाऊँ या बीड़ी पीऊँ, गुटखा पान सुपारी खाऊँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, पूछ सकते हैं, कभी भी नहीं खाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हम जो रोप रहे हैं वही तो बढ़ेगा ना। हमारे कलीसिया में हम सुधारना चाहते हैं लेकिन हम खुद नहीं सुधारते। हमारे पांच लोग सुधारना नहीं चाहते, हमारे पांच लोग सुधारना नहीं चाहते, हमारे माँ बाप लोग सुधारना नहीं चाहते, हमारे प्रचारक सुधारना नहीं चाहते। हम क्या रोप दिए, हम लोग क्या रोप रहे हैं कलीसिया में? और यही बात बाइबल हमें समझाता है गलतियों के नाम संस्मरण के पत्र में। देखिए, पढ़ के देखिए। हालेलुया, अध्याय 6 पद संख्या 8 में लिखा हुआ है, दो रहिए, देना हाथ उठा गया। जो अपने शरीर की भूमि में बोता है, जो अपने शरीर की भूमि में बोता है, वह अपने शरीर की भूमि में विनाश की फसल लूंढेगा। वह अपने शरीर की फसल बुनेगा। क्या में बुने, क्या काटेगा? वो विनाश की फसल। हालेलुया, क्या रोप दिया? नशा रोप दिया, पेड़ लगा दिया अपने दिमाग पर। तो क्या बढ़ेगा, नशा बढ़ेगा या नशा कम होगा? जोर से बोलिए ना। निकल खेत में क्या लगा रहे हैं, देखिए, यदि आप जंगली बीज लगा रहे हैं तो जंगली बीज ही तो होगा। तो हमें कैसा लगाना चाहिए हमारे कलीसिया में, आप क्या बोलते हैं, कैसा लगाना चाहिए, अच्छा बीज या जंगली बीज? अच्छा बीज। जोर से बोले ना, अच्छा बीज। जोर से बोले ना, अच्छा बीज। क्या दारू पी के, हाड़ी पी के, रोम खा के, गंजा खा के, ये सब खा के हमारा कलीसिया बढ़ रहा है? नहीं। संख्या बढ़ रहा होगा, आध्यात्मिक में तो नहीं बढ़ रहे होंगे, संख्या तो बहुत है, अरबों खरबों में संख्या है हमारा। निखिल आध्यात्मिक का काम है। हालेलुया, इसलिए हमारा दो शरीर है, एक प्राकृतिक शरीर है और एक आध्यात्मिक शरीर है। आध्यात्मिक शरीर में पवित्र आत्मा रहता है और प्राकृतिक शरीर में जीवन आत्मा रहता है, जो प्राणी भी कहा जाते हैं। और वो प्राणी उसी दिन बन गए जिस दिन प्रभु यीशु ने हमारे शरीर में बोया। कौन सा बोया? जो उत्पत्ति ग्रंथ में कहते हैं 2:7 में, ईश्वर ने मिट्टी लिया
साना गाड़ा और वहां बीज नहीं लगाया बल्कि आत्मा डाला। हालेलुया, आत्मा एक बीज है। हालेलुया, और वह बीज को डाला तो वो क्या बन गए? आदम बन गया, एक सजीव बन गया, सजीव तत्व बन गया, एक प्राणी बन गया, एक व्यक्ति बन गया। वो ईश्वर नहीं है, वो एक व्यक्ति है। हालेलुया, लेकिन उसके अंदर जो बीज डाला गया है वो ईश्वर है। हालेलुया, और ईश्वर का अंश है। हालेलुया, मैं कहूंगा ईश्वर का आत्मा का एक टुकड़ा डाला गया। हालेलुया, और एक टुकड़ा ही आदम है। हालेलुया, और दूसरा टुकड़ा हेवा है। हालेलुया, इसलिए वहां लिखा हुआ है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, अपने सदृश बनाया, अपने प्रतिरूप में बनाया। प्रतिरूप का अर्थ क्या है? मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने मुझसे कहा प्रतिरूप का अर्थ है आत्मा। हालेलुया, तो स्त्री हो या पुरुष वो आत्मा है। हालेलुया, इसमें कोई स्त्री और पुरुष में नहीं है। हालेलुया, आत्मा आत्मा होता है। हालेलुया, आत्मा स्त्री पुरुष नहीं होता है, आत्मा आत्मा होता है। इसलिए पुरुष में भी वही आत्मा है और बराबरी है, कोई नीचा ऊंचा नहीं है कि एक स्त्री छोटा हो गई और मर्द है हम बड़े हो गए, ऐसा बात नहीं है। ईश्वर ने कभी छोटा बड़ा नहीं बनाया। ये हमारा फीलिंग्स है कि औरत तो छोटे हैं, मेरा फीलिंग्स नहीं है इस काम से। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हालेलुया। तो हम लोग देख रहे थे कहाँ से कौन वचन लिया था, बोलिए कहाँ लिया था, बेरा गए होंगे। हालेलुया, उत्पत्ति ग्रंथ। हालेलुया, हालेलुया। तो ईश्वर ने वहाँ एक बीज डाला था, वह आत्मा, और वो व्यक्ति हम सभी जन हैं। इसलिए मरने के बाद हम दो शरीर से बनते हैं, दो भागों से बनते हैं। आत्मा है स्वर्ग का और पृथ्वी का मिट्टी है। हालेलुया, दोनों को मिलाकर हम एक व्यक्ति बनते हैं। हालेलुया, लेकिन आत्मा जो है कहाँ का? जोर से बोले ना, जोर से बोले ना, जोर से बोले ना। कहाँ से आए हैं हम लोग, कहाँ लौटना है? हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा कुछ वचन आप लोग का समझाने के लिए मैं सब तैयारी कर रहा हूँ, आपको समझ में आया। हालेलुया, हालेलुया। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 का 7 में पढ़िए, वहाँ लिखा है जो मिट्टी का शरीर है वो मिट्टी में मिल जाएगा, दो भाग विभाजित हो जाएंगे, एक आत्मा है जो उड़ जाएगा और मिट्टी है वो मिट्टी में डाल दिए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग धर्म कर्म क्यों करते हैं? कहाँ जाने के लिए? कोई नरक जाना चाहता है? जाइए ना, मजा लगेगा। हालेलुया। एक बेटी बोल रही थी, उसको याद आता है बार बार, सारा कचा बेहोले कोनो नहीं पावे, सारा कजबे होले कोनो नहीं पावे, नारा कजबे होले आलू पकाए खावे। तो फायदा है कि नहीं है? हालेलुया, कितना नरक जाइए, जाएंगे हम लोग, क्योंकि नरक से हम आए नहीं हैं। कहाँ से आए हैं? इसलिए कहाँ लौटना होगा?
मुझे जब बाइबल पढ़ता हूँ मुझे बहुत खुशी लगता है। कैसा खुशी लगता है? मेरे पिता को याद करता हूँ। आप बहुत लोग धानी होंगे आप लोग, पैसे वाले होंगे, तो किसी किसी का बम्बई में भी घर है, कहाँ है, और किसी का पहाड़ गुमिया में भी घर हो सकता है हाथी के चा में। तो उनकी जो लड़के वाले हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, बेटा बेटियां हैं, वो लोग क्या सोचते हैं, वाह मेरा पिताजी तो बम्बई में भी घर बनाया, वहाँ पर भी जमीन है हम लोग का, और हाथी की चमे भी, वाह। इतना प्रशंसा खुश होना भी चाहिए। उसी तरह से बाइबल हम पढ़ते हैं तो बाइबल में क्या लिखता है, ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी बना दिया ताकि हम स्वर्ग में भी रहे और पृथ्वी में भी रहे। हालेलुया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:1 में है। अच्छा लगता है, लगता है ईश्वर ने कहाँ बनाए हमारे लिए, एक और एक कहाँ है हमारे लिए, पृथ्वी की भी मजा ले लो और स्वर्ग की भी मजा ले लो। हालेलुया। हालेलुया। पिता की स्तुति हो। हमारा पिता बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। हम सभी का पिता इतना अच्छा सोचते हैं। हालेलुया। अच्छा विचार करते हैं। हालेलुया। आने चिरा छोड़े मेरे यहाँ आए। हालेलुया। मैं उसके लिए दो जगह बना कर रखा हूँ, एक यहाँ के लिए भी और वहाँ ले। हम लोग यहाँ से केवल खुशियाँ लेते हैं, स्वर्ग का मजा नहीं लेना चाहते। हालेलुया। लीजिए ना भैया। हालेलुया। कैसा लगता है? हालेलुया। तो स्वर्ग का भी मजा ले लीजिए। किसी ने मुझसे कहा था, एक लड़का जो अभी यूक्रेन में पढ़ाई किया और अभी डॉक्टर बन गए हैं, वो तीन विषय चार विषय में फेल होता था। उनका पिताजी ने कहा कि तीन बार चार बार ट्यूशन कराता हूँ फिर भी फेल होता है लड़का, मेरा नाम तो यूनियन मीटिंग मिला देगा। इसलिए आपके बारे में सुना और मैं आपके पास आया हूँ, चलिए मेरे बेटा के लिए प्रार्थना कर दीजिए। और बेटा का फेलिक्स मैंने समझा वो क्या चाहता है और उन्हें यकीन कराया कि ईश्वर है, प्रभु है। मैंने भी अंग्रेजी बोला, अंग्रेजी का मीनिंग हम समझाए और उसको समझ में आते हैं। मैं 3 महीना में उनको समझ में आ जाता है कि मुझे पढ़ाई करना है और मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, समझ में आ जाता है लड़का को। और यूक्रेन चले जाते हैं और अभी डॉक्टर बन के आए। हालेलुया। पिता की स्तुति हो। पिता को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। और वे समझते हैं आज कि हमें क्या बनना है और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ता है। बुद्धि एक ज्योति है। अब ये बुद्धि जो है, ज्ञान जो है, प्रज्ञा जो है, दो प्रकार का है, एक है ईश्वर के और एक है दुनिया का। जो हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो है दुनिया का, ये डिग्री को भी चाहिए और वो डिग्री भी चाहिए, दोनों डिग्री चाहिए और दोनों डिग्री को उसको हासिल करना है तभी हम आध्यात्मिक बनेंगे। एक 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 डिग्री हम कर लिए, दूसरा डिग्री नहीं किए तो हम आध्यात्मिक नहीं बन पाएंगे। पहले संत पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थ 2:13 से पढ़िए, आपको समझ में आएगा। हम इन वरदानों की व्याख्या करते समय चले मानवीय प्राज्ञा के शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा द्वारा प्रदत्त शब्दों का प्रयोग करते हैं। इन वरदानों को व्याख्या करते समय मैंने कभी पढ़ाई किया उसका इस्तेमाल नहीं किया बल्कि जो आत्मा द्वारा प्रज्ञा मिला है उसके द्वारा व्याख्या करता। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर जोर से बोले ना। इसलिए ईश्वर ने क्या दिया था मुझे? आत्मा डाला था। कहाँ? मिट्टी में।
मिट्टी में आत्मा डाला था, मिट्टी लिया और आत्मा डाला और वो आत्मा मैं हूँ, आप लोग हैं। हालेलुया। ताकि हम कहाँ जाए, जोर से बोले, कहाँ से आए हैं, इसलिए ईश्वर ने दो जगह बनाया। हालेलुया। ताकि पृथ्वी में भी मैं रहूँ और सर में भी रहूँ। हालेलुया। ये दुनिया का ज्ञान भी रहे, हालेलुया, और ईश्वरीय ज्ञान भी रहे, हालेलुया, हालेलुया। कौन सा ज्ञान उत्तम होगा? दोनों ज्ञान उत्तम है, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए कौन ज्ञान उत्तम होगा? पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 एक समय पढ़िए। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है। वो व्यक्ति कितने मूर्ख हैं जिसमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है। चले पढ़िए। जो दृश्य जगत को देखकर, हाँ, पूरे दुनिया को, जगत जगत को देख लिया। आगे पढ़िए। सात नामक ईश्वर को नहीं जान सके, फिर भी नहीं जान पाया। हालेलुया। आगे पढ़िए। जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। सृष्टि को देखकर, इतनी अच्छी सृष्टि हम लोग किए गए हैं और हमें ईश्वर ने अच्छा सृष्टि किया है, फिर भी हम लोग अपने जीवन से प्रभु को नहीं जान पा रहे हैं। हालेलुया। जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? मैंने जाना और 29 बरस हो गए। आगे पढ़िए। किंतु उन्होंने आग पावन, आग पावन, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म आयु, तारा मंडल, जल का तीव्र बहाव, जल का तीव्र बहाव, अथवा आकाश के ज्योति पिंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा, उसको भगवान समझ ले, ईश्वर मान लिए और उसको पूजा करने लगे और उनका महिमा गाने लगे। हम लोग गाने ले या इसका महिमा गाना चाहिए। अब ईश्वर बांस कहाँ किया है? पहले हमारे, जोर से बोले, हमारे अंदर है, इसलिए हम जो आत्मा है हमारे अंदर, वो एक अंश है और वो अंश जेम्स है और आप लोग हो सकते हैं। इसलिए मरने के बाद ये दो भाग में विभाजित होता है। अभी एक भाग है, एक व्यक्ति है, आगे दो हो जाएगा। एक मिट्टी में चला जाएगा और एक स्वर्ग चला जाएगा। मिट्टी का मिट्टी में मिला और आत्मा आत्मा के पास चला जाएगा। उसी को उपदेशक ग्रंथ में कहा, पढ़िए नीचे उपदेशक ग्रंथ। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 7। उस समय से पहले जब मिट्टी उस पृथ्वी में मिल जाएगी, हाँ, उस समय से पहले मिट्टी क्या मिल जाएगी? पृथ्वी में मिल जाएगी जहाँ से वह आई है। जहाँ से आई है, मिट्टी कहाँ से आया है? मिट्टी पृथ्वी से आया है, इसलिए पृथ्वी में जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़िए। और आत्मा ईश्वर के पास लौट जाएगी। आत्मा कहाँ लौटेगी? तो इसलिए हम धर्म कर्म कर रहे हैं ताकि हमारे आत्मा कहाँ जाए? नरक में जाए, स्वतः अग्नि में रहे? हमारा आत्मा यहाँ भटके कब्रस्तान में रहे? कहाँ जाए? क्यों, कहाँ से आया था? हालेलुया। इसलिए दो भाग से हम बनते हैं। एक भाग क्या है? आत्मा। दूसरा भाग है, उसी तरह से एक भाग है दुनिया का और एक भाग है आत्मा का। तो संसारिक जो प्रज्ञा है, जैसे दाहिना हाथ है बायां हाथ, दोनों जरूरी है। और इसी को संत पौलुस समझाना चाहता था। वो पढ़े लिखा इंसान था, एक सैनिक था, उनको बड़ा अधिकार दिया गया था और वो शिक्षित व्यक्ति थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे और प्रभु को नहीं मानते थे। प्रभु नाम लेने वालों कैद में डालते थे, जेल में डालते थे। उनका मन परिवर्तन होता है, उनका सुधार होता है और वो संत पौलुस कहते हैं ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया के दृष्टि में मूर्ख हैं, बेवकूफ हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, डिग्री नहीं किए हैं, लेकिन उनको चुना। क्यों चुना? क्योंकि उनके द्वारा
परमेश्वर काम करना चाहता है, उनके द्वारा परमेश्वर उन्हें जीवन देना चाहता है लोगों को, उनके द्वारा कि को पढ़े लिखे नहीं तो नम्र बनेंगे, विनम्र बनेंगे और गधा के जैसा रहेंगे। हालेलुया। गधा में जितना में आप थे क्या बोका दीजिए, जितना भी लोड बोका दीजिए गधा बोकर लेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु उनको चुना, संत पॉल समझाते हैं। इसलिए प्रभु का ज्ञान होना जरूरी है, चाहे पढ़े लिखे हो या पढ़े लिखे ना हो, प्रभु सबके लिए है, किसी के लिए मतभेद नहीं किया। और पढ़े लिखे मैं उनके अंदर नहीं जाऊंगा उन्हें कहा है, और पढ़ा लिखा नहीं उनके साथ मैं काम नहीं करूंगा ऐसा नहीं कहा है। प्रभु यीशु कहा है कि मैं सबको बराबर बनाया, हमें जानना होगा, हमें प्यार करना, तब हम दूसरे को समझ पाएंगे, दूसरे के फीलिंग हम समझ पाएंगे। हालेलुया। और हमारे बीच में मतभेद नहीं रहेगा। प्रभु की स्तुति हो। इसलिए दिमाग में ही तो प्रज्ञा है, और दिमाग के अंदर का प्रभु यीशु रह गया तो, इसलिए प्रभु यीशु ने सबसे पहले बीज बोने निकला, यानी बीज बोने निकला तो पहले दिमाग में बुना, अधिकतर दिमाग में प्रभु यीशु का वचन घुसा, यानी प्रभु यीशु घुसा और उन्हें व्याख्या करने की शक्ति आ जाएगी, सामर्थ आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, प्रज्ञा आ जाएगा और धर्म कर्म कराने का शिक्षा उनके दिमाग में आ जाएगा, क्योंकि उसमें बढ़ रहा है। इसलिए दिमाग साफ होना चाहिए। हालेलुया। दिमाग क्या होना चाहिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। इसलिए शिष्यों ने कहा, औरों ने कहा, औरों ने कहा, शिष्यों ने बहुत सारे लोग कहे, खाना बिना धोए खाते हैं और अशुद्ध कर रहे हैं ये लोग अपना जीवन को, खाना पीना के लिए भी अशुद्ध, कौन को खाना है नहीं खाना है अशुद्ध मानते हैं, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, जिससे पाप होता है उसे मत खाइए, जिससे बुरा होता है उसे मत खाइए, जिसका शरीर हमारे बर्बाद होता है उसे मत खाइए, जिसे हमारे शरीर को पुष्टि नहीं देता है, शक्ति नहीं दे सकता, उसके लिए मत खाइए इस संसार का भोजन। इसलिए संत पौलुस ईसाई नबी कहते हैं, अब उनके लिए रुपया क्यों खर्च करते हो जब भोजन नहीं है जो तुमको तृप्त नहीं दे सकता। इसलिए तमाकू एक भोजन नहीं है, नशा एक भोजन नहीं है, वो हमारे शरीर और आत्मा का विनाश करता है, और हमारे शरीर में जो बोया जाता है, जो रोपा जाता है, उसी को हम काटेंगे, कोई दूसरा नहीं काटेंगे। इसलिए मैं कहता हूं आम का गाछ में कटहल नहीं फल सकता, फलेगा नहीं। फलेगा नहीं। आम का गाछ में क्या फलेगा? आप बोलते हैं कि हमारे बच्चा हमारे लड़का क्यों पीता है, हम नशा है उसको जानते हैं, बुराई है उसको जानते हैं, इसलिए बेटा मत पिए मत खाइए, हम पीते हैं जानते हैं, हम ही नुकसान है उसको जानते हैं, खाती है उसको जानते हैं, आप मत पिए अच्छी बात है, नहीं मना करते हैं, रोक टेक करते हैं, निकल आपने तो बीज लगा दिया है ना अपने बच्चे में, कितना सा करेगा ही करेगा, आपको कितना भी कहिए वो नशा करेगा ही करेगा, क्योंकि आपके शरीर से पैदा हुआ है, आपके जीवन से पैदा हुआ है, तो उसमें नशा तो चला गया है, नशा के बीच चला गया है, 10 साल 15 साल 20 साल के बाद पिएगा, ये बुढ़ापा होने समय पिएगा, पहले नहीं पीता था, ये अच्छा लड़का था, अच्छा जिंदगी था, अच्छा इंसान था, अभी पीने शुरू हो गया गलत संगति के साथ, संगति गलत नहीं है, हम क्या बीज लगा दिए हैं। इसलिए हमारे बच्चे चाहते हुए भी अच्छा लड़का नहीं बन पा रहे हैं, लड़कों का गलती नहीं, हमें सुधरना होगा। रेडी हैं आप लोग? रेडी हैं? कितने लोग?
मतलब नहीं चाह रहे होंगे ना। हालेलुया हालेलुया। तो हमारे लड़के अच्छे होंगे, हमारे बहने अच्छे होंगे, हमारे परिवार अच्छा होगा, हमारे खेत जीवन अच्छा होगा। पिता की स्तुति हो, समझ रहे ना। तो हमारे दिमाग में अच्छा बीज बो रहा है कौन? यीशु। अभी भी बीज बोने वाला कौन है? मैं या यीशु? जोर से बोली ना, मैं या यीशु? यीशु। मैं किसका वचन को दे रहा हूँ? मेरा वचन है यीशु का वचन। और आप सोचेंगे कि जेम्स का वचन है तो गलत करेंगे। हालेलुया पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। इसलिए आगे हम फिर से लेके आएंगे, आपको समझ में आ रहा होगा अभी। इसलिए ईश्वर ने शरीर में आत्मा बो दिया था। अब उस आत्मा में चार प्रकार का खेत है, अब बताएंगे आपको। चार प्रकार का खेत क्या है? एक शरीर है, क्या है? दूसरा क्या है? मन है। तीसरा क्या है? हृदय है। और चौथा क्या है हमारे शरीर के अंदर? आत्मा है। आप चारों साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। कभी यीशु ने मुझे सिखाया है, इसलिए तो शिक्षित से शिक्षित लड़का यहाँ के बैठ जाते हैं। मैं घमंड नहीं कर रहा हूँ, और घमंड भी करूँगा तो प्रभु में करूँगा। पढ़िए जल्दी से, सबको धन्यवाद दिखाएंगे। जो अपने शरीर के भूमि में बोता है वह अपने शरीर के भूमि में विनाश की फसल लूटेगा। तो हमारे शरीर भी है कि नहीं है? तो इस शरीर को किसने बनाया था? हाँ, अच्छा बनाया था कि बुरा बनाया था? आप इसी शरीर में क्या पैदा हो रहा है हम लोग का? बो दिए, क्या बो दिए? अभी समझाया था मैंने। आप जो जंगली बीज बोए हैं तो क्या निकलेगा? आप जंगली बीज निकलेगा ना। हालेलुया, जंगली बीज समझ रहे हैं ना क्या है वो? पाप, समझ रहे हैं ना। तो पाप को बो दिए हैं अपने शरीर में, तो शरीर में तो पाप ही निकलेगा ना। हालेलुया, पाप बढ़ेगा कि पाप घटेगा बताइए? इसलिए हम पाप करना नहीं चाहते, नहीं पाप होता रहता है। हालेलुया, क्योंकि हमारे शरीर में क्या बो दिए हैं? जोर से बोले ना, जोर से बोले ना। तो क्या बोना होगा? ईश्वर का वचन को बोना होगा। अब मेरे अंदर प्रभु का वचन इतना भर गया है, इसको बिना देखे भी बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे शरीर में ईश्वर का वचन बो दिया गया है। आत्मा में तो है, शरीर में भी है। हालेलुया। तो प्रभु भी चाहता है कि अपने शरीर में प्रभु का वचन को बोए, लेकिन हम लोग आत्मा में शरीर में वासना रूपी बीज को बो दिए हैं। जो हमारे घमंड रूपी बीज को बो दिए हैं, नशा रूपी बीज को बो दिए हैं, लड़े रूपी बीज को बो दिए हैं, हिंसा रूपी बीज को बो दिए हैं। ना जाने कितनी बुराइयां बीज हमारे शरीर में पलक रहा है, बढ़ रहा है। इसलिए हम खींचते हुए भी खींचते जीवन नहीं जी सक रहे हैं। ये 40 काल है जो हम अभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, जंगल निकाल दे रहे हैं। क्या निकाल दे रहे हैं? आप फिर से आप लगा दीजिएगा। मैंने उस दिन जलपाईगुड़ी में कहा, आपने बिल्डिंग खड़ा कर दिया, टूटा फूटा बिल्डिंग था, आपने सब कुछ छोड़ दिया था, एक तपस्या किया और सब कुछ छोड़ दिया और बिल्डिंग खड़ा कर दिया। 1.5 महीने के बाद बिल्डिंग को फिर गिरा दिया और खंडहर बना दिया, जैसा का पहले था वैसे ही बन गया। ऐसा होना चाहिए भाई लोग? ऐसा होना चाहिए? आप नशा अभी छोड़ दिए हैं, बाद में उसी में आ जाएंगे?
आना चाहिए? नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे बीच में कितना नासेकोर लोग हैं जी, देखिए। निखिल आज इतना अच्छा लड़का बन गया, चलो इसका संक्षेप सुनते हैं शॉर्ट में, चलो बता दीजिए। सबके की जय यीशु। मैं भी बहुत छोट हाड़ी दारू पियत रहो और मोर ले तो दारू हाड़ी फिरी रहे, खाली की मैं दारू के दुकान में काम करत रहो। दारू दुकान में जब भी अगर बिहार में गलो तो दुकान खोलत रहो, दुकान खोले कर बाद में झाड़ू वाड़ू सब कुछ कर लेबू, अगर बाद में बहनी नहीं हुई तो कानी अर पीबू नहीं, राति भी हूँ तो बिहान तो थरथरी लगी से ले थरथरी के प्यास में चाहे के कोई बहनी आला आ पाए तभी मोर थरथरी मिटी। तो बहनी कोई आवत रहे 10 रुपये अगर पियत रहे तब तो ओके देबू, तो अगर बाद में मैं भी एक पैक ले लूँ, एक पैक पीबू तब मुझे भी अच्छा लगे, तब थमा दे मैं काम मन करूँ। अगर बाद में दारू दुकान से 7 बजे जैसा 7 बजे कर बाद में काम चल जाबू, 9 बजे फिर आऊँ नाश्ता नहीं करूँ, पहले दुकाने पर तो वहाँ दादा हमारे है, दादा पूरा विश्वास करो सकते दादा नाश्ता ले चल जा रहे, मैं दुकान में केको दारू देबू तो फिर एक पैक लगा लो ऐसा 12 बजे भी 5 बजे भी 12-1 बजे तक दुकान पर मैं रहत रहूँ। और मोर घर बस्ती में हाथी का डर ना कोनो का डर, उसमें मातम में जात रहूँ तो बहुत ज़्यादा मतवार रहूँ, बहुत मोर में जब मैं जान लो प्रभु के वहीं आम लोग से कंडीशन पेंडल मन नहीं रहे, एकदम हल्का फुल्का फाटल पेंडल मन रहे, मुझे भी विश्वास में लागत रहती कि शायद नहीं हम वहीं प्रभु कर कोनो पाबो गई के, लेकिन जैसा जी जेम्स का वचन के सुन लो तो मैं बाइबल पढ़त रहूँ लेकिन नहीं समझत रहूँ, और बाइबल के पढ़ल से खाली नहीं समझल जाए से यहाँ जब आ लो जेम्स का वचन सुन लो जोज कर वचन सुन लो तो अपने आप के मैं बाइबल कर बात के समझ समझ सक लो प्रभु के समझ सक लो, और आज मोर जीवन बदल गया, आज मोर यहाँ 8 बरस हो गए। धन्यवाद। अब बिल्डिंग बनाए हुआ घर को बनाने जाऊंगा तो कौन बोलेगा मिस्त्री अच्छा है? हालेलुया। इसलिए उन भाइयों को मैं धन्यवाद करता हूँ जो नशा करते थे के लाए हैं, उनके लिए तालियां बजा दूंगा। तो यहाँ मैं कहूँगा अच्छे लोग नहीं आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, हो सकते आप लोग अच्छे होंगे। हालेलुया। लेकिन प्रभु यहाँ अच्छा बनाता है। हालेलुया। 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 प्रभु अच्छा बनाता है और उनके परिवार में भेजता है। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद। हालेलुया। आज पर्व में काम करता है भाई और उस बगान का प्रेसिडेंट भी रह गया। हालेलुया। मैं इस बगान का प्रेसिडेंट हूँ। हालेलुया। और हम लोग अभी जो प्रोग्राम करते हैं पूरे 5 लोग मिलके करते हैं, अच्छा लगता है। हालेलुया। आज प्रचारक साहब हालेलुया, हमारे यहाँ 2 प्रचारक हैं दोनों हैं। हालेलुया। वे लोग भी नाशा करते थे। हालेलुया। गिरजा में उपदेश देंगे। हालेलुया। 40 साल चाहिए नाशा ना करगा। हेलो प्रचार में का थोड़ा कहावा अच्छा लगे, एक प्रचारक रहे मुर्गी के ढाइप के जा रहे गिरजा में और उपदेश देवा के किसी भी मुर्गी चिंगना धन दौलत पर लालच मत करना। हालेलुया। हमें कैसन प्रचार रखने आप झेप के जाए दूसरा मुख्य मुर्गी के
आप बोलिए हर वचन सुनत है बड़ा बढ़िया बढ़िया वचन दे रखा। अब का होला गिरजा खत्म होला। अब प्रचारिन के तो धक धक लागत है। लालच नहीं करना का ये मरबुरा किसी उम्र की के तो मरबुरा बदल गया सुधर गया लाल लाल के और अच्छा बढ़िया उपदेश दे है ने इन्हें आप प्रचार मान तो सबसे भेंट करे ना मुलाकात करे ना भेंट करे के लिए देरी हो गया आप उठो चल गया घर और जल्दी कुदले कुदले गया और खेत लाके उड़ा दिला और मुर्गे भाग गया। तब प्रचार तो कौन बड़ा खाता में वो पांच मान से मिले गए प्रचार मान पांच मान तो इतने जिसे जिसे बड़े प्रचार जिसे बड़े को पूछते रहे प्रचार मान तो प्रचार मान से पांच मान देरी कर जाए महिला मान भी देरी कर जाए कौन बड़ा खाए खो नहीं दे रहे तो उठन करते वो प्रचार के देव लाइक चाहे कौन बड़ा जबर बनाबो तब जैसा गिरजा खत्म हो सबके विदाई कर लग खुदा को दे अलग और कहा दे मुर्गी कहा तो प्रचार इनका अलग तो है तो कहा लाला से नहीं कर रहे कही गए मैं खोल दे लो अरे बुढ़वा उमर लगी हमर ले थोड़े रहे यानी पटम ले नहीं रहे उमर ले रहे हमें मान नहीं तरह कर उपदेश ले गया हाले ले या दुनिया का प्रचार मान लो ना ना नहीं करना अपने में किसका पर टाइम दे रहे तब मुक्की कोई कहाना है प्रचार तो उपदेश अच्छा नहीं लगेगा काले नाता नहीं करना भीतरे भीतरे मारे रहा तू एक मन कर ली हाले ले या परमेश्वर तो के चीज है और परमेश्वर चीज है तेरा प्रमाण है बाइबल में हालेलुया रोमियों के नाम सुन पढ़ के पता रहता है दास अपर चार मान कितना अच्छा सुना रहा है जब कोनो कोनो बगान के प्रचार मान आना तो दुखी ना होगा नहीं हालेलुया ठीक है आप देखिए बदलिक पड़े दास करिक पड़े पिता की स्तुति हो पिता को धन्यवाद मेरे स्वर्ग के पिता ने नहीं रोपा है वह उखाड़ा जाएगा। क्या होगा उखाड़ा जाएगा। हालेलुया लेकिन स्वर्ग के पिता ने रोप दिया है तो उखाड़ने देगा क्या नहीं। आप अपने बीज को उखाड़ने देंगे उखाड़ने सकेंगे कोई हालेलुया हालेलुया क्योंकि जब रोप दिया गया है तो उखाड़ा नहीं जाएगा। इस तरह से हम अपने दिमाग में रोप दिए गए हैं उसको बढ़ाना है। सुबह मनन चिंतन करना है शाम को भी मनन चिंतन करना है बाइबल पढ़ना है रोजरी प्रार्थना करना है विनती करना है आराधना करना है भक्ति करना है श्रद्धा करना है। और सुबह सुबह हम लोग केवल क्या के लिए उठते हैं प्रार्थना के लिए नहीं उठते हैं मनन चिंतन के लिए नहीं उठते हैं और बाइबल वचन के लिए नहीं उठते हैं हम लोग क्या के लिए उठते हैं काम करने के लिए उठते हैं खाकार रंभा हम लोग को ड्यूटी जाना है ना टाइम नहीं है। प्रभु कहता है ठीक है मेरे पास आएंगे मैं भी कहूँगा टाइम नहीं है लाइन में लाइन लाइन में लाग भाई हालेलुया हालेलुया तो प्रभु के लिए टाइम नहीं है सबके लिए टाइम है हालेलुया। तो सुबह उठ के क्या करना होगा बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है जोर से बोले ना बढ़ाना है और ये प्रभु चाहता है
कि हमारे खेत में जो बोया गया उसको बढ़ाना है। पिता की स्तुति हो, पिता को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हम लोग कांत करते हैं, खड़े हो जाइए। ये शक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपका उपस्थिति हमारे बीच आप ला रहे हैं। आपका रक्त और मांस इस समय ग्रहण करने वाले प्रभु जी, जो हमारे लिए आपके पुरुष मरण स्वीकार करते हैं और बलिदान होते हैं, वही प्रभु आप हमारे हृदय में आने वाले हैं। हम दिल से, मन से, हृदय से स्वागत करते प्रभु, और आपका पवित्र महिमा के लिए अपने आप को त्याग करते हैं। आशीष दे हमारे प्रभु के द्वारा।